हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का हैप्पी मॉम चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अमेजन से न्यू कलेक्शन के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो में आ गई हूँ। ये सभी प्रोडक्ट आप अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से घर बैठे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, साथ में अदर शॉपिंग सेंटर से भी इन्हें ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अमेजन से बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दिए हैं, लिंकों को क्लिक करके वहाँ से प्राइस को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना डिले किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आइटम है मिनी डस्टबिन। इसमें सक्शन कप दिया हुआ है, जिससे आप इसे कहीं भी इस तरीके से इसे अटैच करके आप इसे हैंग करके इसमें वेस्ट को कलेक्ट कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। जूस मेकर यह है मशीन। इसमें स्पेशली आप हाथों की मदद से इस तरीके से हैंडल को घुमा के आप इसमें फ्रूट से जूस को स्क्वीज करके निकाल सकते हैं। साथ में इसमें छोटा सा स्ट्रेनर भी दिया हुआ है, जिसमें आप जूस को छान के आप अच्छे से इसे बना सकते हैं। किचन काउंटर और वॉल में इस्तेमाल होने वाला सेल्फ एडेसिव ये है स्टिकर और वॉलपेपर। इसे आप इजीली इस तरीके से लगा सकते हैं जस्ट प्लेन स्टिकर के साथ में। ये ऑयल प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और हीट रेसिस्टेंट है। टैप के साइड में इस्तेमाल होने वाला डबल सेल्फ का यह स्पंज ऑर्गेनाइजर बैग जो मेटल वायर से बना हुआ है, इसमें हुक की मदद से आप इसे टैप के साइड में लगा सकते हैं। डीप फ्राइंग यह पैन जो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, इसमें ऑयल को मेजर करने के लिए टेम्परेचर भी दिया हुआ है। इसमें स्पेशली आप फ्राई करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, साथ में ऑयल को छानने के लिए इसमें अलग से रैक भी दिया हुआ है। फोर टियर का पोर्टेबल यह है किचन ट्रॉली, जिसे आप रोटेट भी कर सकते हैं। इसे किचन में आप ग्रोसरी आइटम, फ्रूट, वेजिटेबल को इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ट्रायंगल शेप का यह मिनी बास्केट जो प्लास्टिक से बना हुआ है, इसे आप अपने किचन के सिंक में और टैप के साइड में इसे इस तरीके से अटका के इसमें वेस्ट को छान सकते हैं। साथ में इसमें स्पंज को भी आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इसमें रख सकते हैं। स्नैक से यह है बाउल, इसे आप सेंटर टेबल में सर्विंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें फ्रूट, चॉकलेट, स्नैक्स को इस तरीके से इसमें रख के आप सर्व कर सकते हैं। ओवर सिंक यह है डिश ट्रैंग रैक, जिसे आप अपने किचन के सिंक में एडजस्ट करके इस रैक को रख सकते हैं। यह मेटल आयरन से बना हुआ है और साथ में इसमें आप बर्तनों को वॉश करके इसमें रख सकते हैं। इसमें काफ़ी स्पेस दिया हुआ है, जिसमें आप अपने कटलरी आइटम के साथ साथ इसमें चॉपिंग बोर्ड इन सबको भी रख सकते हैं। प्लास्टिक का बना हुआ यह है वॉल माउंटेड स्टोरेज रैक। इसमें स्पेशली आप अपने स्पंज को, टॉवल को ऑर्गेनाइज करके इसे किचन के सिंक के साइड में इस तरीके से रख सकते हैं। टूथपिक होल्डर एंड डिस्पेंसर यह है छोटा सा रैक, इसमें आप अपने टूथपिक को रख भी सकते हैं, साथ में इस तरीके से प्रेस करके आप टूथपिक को निकाल भी सकते हैं। यह है नेट बैग, इसे स्पेशली आप अपने किचन कैबिनेट के डोर के अंदर के साइड में इस तरीके से इसमें हैंग करके इसमें आप अपने प्लास्टिक बैग, गार्बेज बैग को रख सकते हैं। फ्लोर को अच्छे से क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होने वाला यह है डस्टपैन और ब्रूम का सेट, इसे आप अटैच करके भी रख सकते हैं और साथ में जब भी इस्तेमाल करना हो साथ में इसे आप कैरी करके इसमें इस तरीके से आप वेस्ट को इसमें कलेक्ट करके क्लीन कर सकते हैं। एग को स्लाइस करने के लिए इस्तेमाल होने वाला यह है एग स्लाइसर टूल, इसमें आप अलग अलग शेप में एग को इस तरीके से स्लाइस कर सकते हैं। घर में पॉपकॉर्न बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रिक यह पॉपकॉर्न मेकर मशीन, जिसमें कम टाइम में ही बहुत सारे पॉपकॉर्न एक ही बार में इसमें बना सकते हैं। ट्रांसपेरेंट यह है ब्यूटीफुल बाउल, जिसे पकड़ने के लिए हैंडल भी दिया हुआ है। इसे किचन में इन बाउल्स को आप अलग अलग पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलिकॉन के बने हुए यह हैंडल कवर, इसे स्पेशली आप स्टील के बर्तनों के हैंडल में इस तरीके से लगा सकते हैं। कैप्सिकम और चिल्लीज के सीड को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होने वाला यह है टूल, जिसकी मदद से इजली आप सीड को इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। ये प्लास्टिक का बना हुआ है। बाथरूम की वॉल में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रिक यह है बॉडी स्क्रबर, जिसे आप बात करते रहें इस तरीके से अपने बॉडी को स्क्रब करके क्लीन कर सकते हैं। वाटर जार से पानी निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो ये है पंप और कैप, जिसे इस तरीके से आप अपने वाटर के जार में इसे सेट कर सकते हैं। स्टैंड में इस तरीके से रख के पानी को इजीली निकाल सकते हैं। फ्रूट को स्लाइस करने के लिए इस्तेमाल होने वाला यूनियन डिजाइन में बनाया गया यह स्लाइसर टूल, जिसमें आप चेरी, स्ट्रॉबेरी को इजीली इस तरीके से स्लाइस कर सकते हैं।
ब्यूटीफुल बकेट शेप का यह सीरियल और ग्रेन कंटेनर, जिसमें अलग अलग सेक्शन में आप अलग अलग प्रकार के दाल और राइस को इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इसे रोटेट भी कर सकते हैं बटन प्रेस करके, और जो भी दाल चाहे आप निकाल भी सकते हैं। इसे किचन काउंटर और कैबिनेट दोनों जगह रख सकते हैं। जैम की बोतल के कैप को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होने वाला यह है कैप ओपनर। ड्रॉर में इस्तेमाल होने वाली यह मिनी बास्केट, जिन्हें स्टोरेज के लिए इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़ों को सुखाने के लिए इस्तेमाल होने वाली यह है क्लोथ ड्राइंग क्लिप्स, जिन्हें स्पेशली कपड़े सुखाने के लिए कपड़े में आप इस तरीके से लगा सकते हैं। मोमोज को स्टोर करके रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली यह है मोमो स्टोरेज बॉक्स, जिन्हें स्टैक्ड करके इस तरीके से इसमें मोमोज को आप फ्रीजर में रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोर्टेबल यह है मिनी वॉशिंग मशीन, इसमें स्पेशली आप छोटे कपड़ों को वॉश करने के लिए इस मशीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे सिंक में भी आप यूज़ कर सकते हैं। फोल्डेबल यह है बास्केट, इसमें स्टेनर भी दिया हुआ है, इसमें स्पेशली आप अपने फ्रूट को वॉश करके इसमें इस तरीके से रख सकते हैं, और इस तरीके से हैंडल को भी आप फोल्ड करके फ्रिज में रख सकते हैं। नेक को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले यह है सॉक्स, स्पेशली लेडीज के लिए बहुत ही यूजफुल है। बेड के साइड में सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला यह है हैंडल, इसे स्पेशली एडल्ट पर्सन कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल में इस्तेमाल होने वाला यह है टावर रैक, इसमें स्पेशली फूड ट्रे को रख के कवर करके रख सकते हैं। 3-in-1 यह है फ्रूट स्लाइसर टूल, इसमें स्पेशली सभी टूल की हेल्प से आप फ्रूट को इस तरीके से पील एंड स्लाइस भी कर सकते हैं। शूज रैक में सभी शूज और स्लीपर को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए इस्तेमाल होने वाला यह है शूज ऑर्गेनाइजर रैक, जो अलग अलग कलर में आपको अमेज़न पे मिलेंगे। इन्हें इस तरीके से आप सेट करके पेयर वाइज शूज और स्लीपर को रख के अपने शूज रैक में काफ़ी स्पेस को आप सेव कर सकते हैं। ये प्लास्टिक के बने हुए रैक है। रोज शेप के ये है डोर कर्टेन, जो नेट टाइप में बने हुए हैं। इसे इस तरीके से आप अपने डोर में लगा सकते हैं। बालों को स्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रिक ये है हेयर स्ट्रेटनर, जिसे इसलिए आप इस तरीके से अपने बालों में लगा के अपने बालों को आप स्ट्रेट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल 3D फॉर्म में ये है वॉल स्टिकर, इन्हें स्पेशली आप फ्रिज में और वॉल में इस तरीके से लगा सकते हैं। होम डेकोर के लिए बहुत ही अच्छे हैं ये। क्यूट से यह है स्पाइस कंटेनर, जिसमें स्पून भी दिया हुआ है। इसमें आप अपने मसालों को फिल करके कुकिंग करते टाइम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए आप मसालों को इनमें निकाल सकते हैं। छोटे बच्चों को टेबल के कॉर्नर से चोट लग जाती है, तो यह है सेल्फ एडहेसिव कॉर्नर प्रोटेक्टर गार्ड, जो सिलिकॉन के बने हुए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अमेज़न के न्यू कलेक्शन की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।